दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में शुक्रवार को नए नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। बता दें, 13 मई को स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। जब वह ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी, तभी विभव कुमार ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। हालांकि इस मामले पर मालीवाल ने बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने अपना लिखित बयान दर्ज करा दिया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। उन्होंने कहा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। इसके बाद 13 मई की इस घटना का मालीवाल का एक कथित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर बैठी हैं, जहां कुछ कर्मचारी उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। इस दौरान वो विभव पर गुस्सा हो रही हैं। वह कहती हैं कि आज मैं इन सब लोगों को बताऊंगी, जो करना है करो, तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी। आप मेरी डीसीपी से बात कराइए, अभी के अभी मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी। पहले जो होगा यही होगा, मुझे हाथ लगाया तो आप लोगों की भी नौकरी खाऊंगी। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी स्वाति से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर स्वाति कहती है, मैंने अभी 112 पर कॉल कर दी है, पुलिस को आने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद मालीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट करवाकर आधी अधूरी बिना संदर्भ की वीडियो चलाकर इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है वाला, घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने आएगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी।